हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। माय सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस, जब अपना हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेन, ठीक है। तो गाइस, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों, सोच के देखो ना यार, मतलब पेन एक्चुअली ना, एक अगर पेन नहीं होता तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती, ठीक है। पेन एक्चुअली हर बीमारी के अंदर पेन आपको होता है। इवन एक फिजिशियन भी होता है ना, वो डिफरेंट तरह के पेन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ पेन के अकॉर्डिंग डायग्नोस करते हैं डिसीज को। तो पेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे इसी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, डबल पेन सेंसेशन, फास्ट पेन वर्सेस स्लो पेन, पेन पाथवे, सुपरफिशियल पेन वर्सेस डीप पेन, ठीक है। देखो, ये पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या डबल पेन सेंसेशन, ये जनरली अभी तक आया नहीं है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है ये आ सकता है। तो इसलिए मैं इसको मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं तो सब पढ़ा दूंगा आपको, बट ये आ सकता है, ठीक है ना। जब ये आएगा तो बहुत मजा आएगा, आप लोग करके आइएगा, ठीक है। साथ में यार, ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, कभी कभी एग्जामिनर बहुत तेज होते हैं, ठीक है ना। बच्चा पढ़ के जाता है यूरोसाइकिल, वो यूरोसाइकिल के वो एनोनियम्स दे देते हैं, जो होता है ना वो एनोनियमियस, ये क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, समझ गए ना आप लोग मेरी बात। वो उसके अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या नाम थे इसके, मैं भूल गया, ठीक है, जो भी आप समझ गए। तो इसका यही मतलब है। तो इससे और भी बहुत सारे नाम होते हैं, फास्ट पेन, स्लो पेन, इसके अलावा बहुत सारे नाम होते हैं। तो वो जो भी नाम है मैं आपको सब बता दूंगा, जिससे अगर अगली बार कोई दूसरे वर्सेस के नाम से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। पेन पाथवे यार कोई जनरली पूछता नहीं है, बट ठीक है यार, एक अपन ओवरऑल अपन कर भी रहे तो कर ही लेना आप लोग। वैसे मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो गाइस, बहुत मजा आने वाला है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार देखो, बहुत सिंपल बेसिक सी बात है यार, कोई भी एक स्टिमुलस है उसके लिए कोई रिसेप्टर्स होगा, उसके लिए कोई पाथवे होगा, और लास्ट में ब्रेन में जाएगा, ठीक है। यही तो हमेशा अपन पढ़ते आते हैं, स्टिमुलस, वो स्टिमुलस किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, वो रिसेप्टर ट्रांसमिट होंगे किसी पाथवे से, ठीक है, और वो पाथवे फिर ब्रेन में जाएगा। हमेशा अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, और यही तो एक्चुअली स्टिमुलस का ब्रेन में जाना ही तो कहलाता है सेंसेशन को रिसीव करना, एंड दैट्स व्हाई वी लर्न इट अंडर सेंसरी सीएनएस, ठीक है। और अगर अपन देखा जाए ओरिएंटेशन के अंदर, अपने टेक्टाइल पढ़ लिया, ठीक है, अब अपन पेन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन टेम्परेचर पढ़ेंगे, और उसके बाद एक स्पेशल सेंसेस के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, चल के आ रहा है दुनिया के अंदर, है ना, ठीक है, आपकी दुनिया के अंदर, मतलब जो लोग कंटिन्यू सीएनएस को पढ़े जा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कल या परसों एग्जाम होगा, ठीक है ना। मैं तो बहुत पहले वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं ये वीडियो कब कब देखी जाती होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार। तो पेन रिसेप्टर्स ऑफ कोर्स, उनको कहते हैं नॉसिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये मान लो पेन रिसेप्टर्स है, या इनका दूसरा नाम हुआ नॉसिसेप्टर्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पेन रिसेप्टर्स है, ये एक्चुअली होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है ना, ये होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, अनलाइक टेक्टाइल रिसेप्टर्स जहां पे अपन बहुत अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स देखे थे। ये पेन रिसेप्टर्स सिंपल फ्री नर्व एंडिंग्स है, ठीक है, जो कि यार मेनली बहुत अलग अलग जगह फैली हुई है, मेनली यार सुपरफिशियल एरियाज में फैली हुई है, ठीक है, लाइक स्किन, और कहीं कहीं कोई पेरिटोनियम के अंदर है, कहीं आर्टेरियल प्रेशर की आर्टेरियल वॉल्स के अंदर है, ठीक है ना, बहुत सारी जगह। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ डीप टिश्यूज में बहुत कम देखने को मिलती है, डीप टिश्यूज के अंदर ही अपने को फ्री नर्व एंडिंग्स बहुत कम देखने को मिलेगी, बाकी ऐसे हर जगह फैली हुई है, ओके। साथ में यार, ऑफ कोर्स यार, मतलब डीप टिश्यूज का मतलब ये नहीं कि डीप टिश्यूज से पेन नहीं होता, ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा एरिया में डीप टिश्यूज मतलब वो होंगे, क्या कहते हैं, स्टिमुलेट होंगे, तो ऑफ कोर्स वो सारा जो भी है फ्री नर्व एंडिंग्स समेट करके ब्रेन को ले जाएगी, तो ऑफ कोर्स एक पेन सेंसेशन फील होगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं फ्री नर्व एंडिंग्स डीप टिश्यूज के अंदर कम डेंसिटी में होता है, बहुत लेस होता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यार रिसेप्टर्स की, बात होगी स्टिमुलस की, अपन बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स यार, जैसे टैक्टाइल रिसेप्टर्स के लिए अपना स्टिमुलस क्या था, टच, टेम्परेचर के लिए अपना स्टिमुलस ऑफ कोर्स हीट एंड कोल्ड, ठीक है, वैसे ही पेन के लिए अपना स्टिमुलस क्या होगा, पेन पेन को स्टिमुलस होता है, सोच के देखो यार, तो पेन को स्टिमुलस नहीं होता। तो एक्चुअली पेन रिसेप्टर्स के लिए स्टिमुलस होगा अपना, या तो मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है कि भाई कोई जोर से प्रेशर आया, कुछ भी आया, किसी ने मारा, कोई धक्का दिया, समझ लो, मतलब कोई भी कंप्रेशन हुआ एक तरीके से, ठीक है। ये थर्मल स्टिमुलस हो सकता है, आपकी बॉडी जल गई हो, बर्न कर गई हो, ठीक है, या हो सकता है केमिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस ऑफकोर्स मतलब एक तरीके से केमिकल का होना, फॉर एग्जाम्पल लाइक थ्रोइंग एसिड ऑन समवन, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स एक तरीके से केमिकल स्टिमुलस है, बट बेसिकली यहाँ पे केमिकल स्टिमुलस का मतलब ये नहीं होता। केमिकल स्टिमुलस एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है, सारे स्टिमुलस जो कुछ केमिकल रिलीज कराए और वो केमिकल एक्साइट करेंगे
टू कॉज एक्साइट करेंगे पेन फाइबर्स को, समझ रहे हो मेरी बात को। मान लो कोई भी स्टिमुलस कुछ केमिकल रिलीज कराता है, यहाँ पे मैं जो केमिकल रिलीज की बात कर रहा हूँ वो केमिकल जो एक्चुअली पेन को प्रोड्यूस करते हैं, कह लो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं, ब्रेडिकाइन, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये मेनली ये तीन रहते हैं। इनमें से भी अगर मैं बताऊं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे रहते हैं, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, पोटेशियम आयंस, एसिड्स, ACH, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, इवन प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें रहती है, और वैसे ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करते एक्चुअली, ये जो दो चीजें प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी एक्चुअली इंक्रीज करते हैं सेंसिटिविटी को, कि जल्दी से सेंसिटाइज हो जाए अपने पेन फाइबर्स। बस कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी चीजें पेन फाइबर्स को स्टिमुलेट करती है, और वो स्टिमुलस जो इन चीजों को रिलीज करेगा तो वो कहलाएगा केमिकल स्टिमुलस के अंदर, समझ गए। तो मेनली ये तीन स्टिमुलस माने जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेन, फॉर द स्टिमुलस ऑफ पेन, या कह लो फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स, ठीक है, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। ओके, ध्यान रखना है ब्रेडिकाइनिन, और यहाँ पे यही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था, पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक नोट करना कि ये जो पेन रिसेप्टर्स है ये जनरली अडेप्ट नहीं होते, ठीक है, तो ये ऑफकोर्स अडेप्ट होने भी नहीं चाहिए। अगर पेन ही अडेप्ट हो गया तो फिर तो क्या ही रहा जीवन के अंदर, ठीक है ना, मतलब पेन से कभी अडेप्ट मत होना, ठीक है। अगर पेन अडेप्ट हो गया तो समझो ना यार, जो कॉज ऑफ पेन है, मान लो आपकी स्किन के अंदर कोई कांटा छुप गया, अगर वो पेन अडेप्ट कर गया तो वो कांटा एक्चुअली बहुत हार्म कर सकता है आपकी पूरी स्किन को, इवन पूरी एरिया को वो नेक्रोसिस कर सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑफकोर्स पेन रिसेप्टर्स अडेप्ट वेरी लिटल, ये कह लो समटाइम्स नॉट एट ऑल, ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात, इनफैक्ट मैं अगर एक बात बताऊं तो या पेन रिसेप्टर्स एक्चुअली अडप्ट तो नहीं होते, इनफैक्ट वो ओवर एक्साइट होते हैं जैसे जैसे पेन कंटिन्यू रहता है, अगर पेन का कॉज कंटिन्यू रहेगा तो वो एक्साइट, ओवर एक्साइट होते हैं, और इसे कहते हैं हाइपरजेल्सिया, ठीक है। ये तो बस ऐसी कुछ बातें थी तो बता दी मैंने, ठीक है ना, चलते फिरते कुछ बातें होती ना बताने की, तो बता दी आप लोगों को, समझे, ठीक है। अब यार पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, स्टिमुलस समझ में आ गया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया स्टिमुलस, ये हो गया आपका पेन रिसेप्टर्स, ये हो गया स्टिमुलस। ऑफ कोर्स अब अपन देखेंगे ट्रांसमिशन, कि ये ब्रेन तक कैसे जाएंगे, ठीक है। देखो, जो एक्चुअली पेन सिग्नल्स का ट्रांसमिशन है वो एक्चुअली होता है ड्यूअल पाथवे है, मतलब कोई एक पाथवे नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो यार ये बता दो कि पेन को कौन सा सिस्टम लेके जाएगा, डॉर्सल कॉलम वाला सिस्टम या एंटरोलेटरल वाला सिस्टम, बताओ बताओ बताओ। एंटरोलेटरल, डॉर्सल कॉलम वाला सारे टेक्टाइल सेंसेस को ही ले जाता है, एंटरोलेटरल क्रूड टच एंड प्रेशर, बाकी सब चीजें पेन, टेम्परेचर, ठीक है, समझिए मेरी बात को, ये ध्यान रखना। तो अब आपको ये भी याद है, डॉर्सल कॉलम वाला एक्चुअली ब्रेन स्टेम में ऊपर जाके क्रॉस करता था, बट एंटरोलेटरल सिस्टम वाला उसी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे क्रॉस कर देता था, ठीक है, यही चीज अपन को यहां देखने को मिलेगी। तो ये ड्यूअल पाथवे, ऑफकोर्स पेन है तो जाएंगे एंटरोलेटरल सिस्टम से, इन एंटरोलेटरल सिस्टम में भी दो पाथवे, ठीक है, एक फास्ट, ठीक है, पेन पाथवे, एक है स्लो पेन पाथवे। यस यस यस, देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई एक पाथवे ऐसा है जो पेन को जल्दी ले जाएगा, कोई एक पाथवे ऐसा है जो पेन को स्लो ले जाएगा, ठीक है। और यही खास बात है डबल पेन इनर्वेशन की या डबल पेन सेंसेशन की। मान लो अगर आपको कांटा चुभा, ठीक है ना, तो आपको एक बार के लिए तो अचानक से पेन होता है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद पेन होता रहता है उस एरिया में, ठीक है, जब आपने कांटा निकाल भी लिया तो भी कुछ टाइम बाद वो पेन होता रह रहा है, तो ऐसा क्यों, जबकि कॉज तो जो कॉज ऑफ पेन है उसको हटा दिया तो भी होता, वो इसीलिए क्योंकि जैसे कांटा चुभा तो दोनों ही सिस्टम एक्टिवेट हुए, ठीक है। तो फास्ट पेन पाथवे ने तो आपको इमीडिएट रिफ्लेक्स दिया, ये बोला आपके मतलब इमीडिएट ब्रेन तक सिग्नल ले गया, और ब्रेन ने फिर ये कमांड किया कि वो कांटा निकाल दो अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्लो पेन पाथवे भी एक्टिवेट हो गया था, बट कुछ टाइम बाद वो ब्रेन तक पहुंचता है और अपन को दर्द का एहसास होता रहता है। और ऑफकोर्स अगर आपने कांटा नहीं निकाल रखा है, ये मान लो कभी कभी मान लो होता है ना कुछ कुछ फॉरेंसिक केसेस जो रहते मर्डर या क्राइम के, तो मान लो किसी ने किसी इंसान के हाथ में चक्कू डाल दिया, ठीक है, अब वो पेन तो होता रहेगा क्योंकि उसने चक्कू निकाला नहीं, तो एक बार तो हो जाएगा फास्ट पेन और बाद में स्लो पेन होता रहेगा। स्लो पेन एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि अगर अभी तक आपने वो कॉज ऑफ पेन नहीं हटाया बॉडी से तो हटा लो, अदरवाइज बॉडी को बहुत नुकसान होगा, सीधी सीधी बात यह। तो ये एक्चुअली दो पेन, ये डबल पेन सेंसेशन का रीजन है, क्योंकि पेन जो है वो दो पाथवे से जाता है, ठीक है। ओके,
अब यार यहाँ अपन थोड़ा सा और इन दोनों पाथवे को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा। तो यार सबसे पहले अपन देखते हैं फास्ट बेन पाथवे को। देखो फास्ट बेन पाथवे को जो उसके फाइबर्स है उनको कहा गया है नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यार एक्चुअली एक न्यूअर सिस्टम है, ठीक है, न्यूअर सिस्टम ऑफ पेन ट्रांसमिशन है, तो इसको कहा गया नियो। नियो मतलब न्यू, ठीक है। और जो दूसरा वाला है अपना स्लो पेन पाथवे से कहा गया है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। पेलियो मतलब ओल्ड सिस्टम, ठीक है। देखो एक्चुअली इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी फाइबर्स आए, ठीक है, फाइबर्स आए, ओके। और मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कहाँ से फाइबर्स क्या आ रहे। अच्छा मैं इसको डायरेक्टली अब यहीं पर डायरेक्टली बताता रहता हूँ, समझो मेरी बात। देखो अब अपन यहाँ पे अब डिफरेंस भी साथ साथ देख ही लेते, तो क्या अपने ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी, फास्ट पेन और स्लो पेन, ठीक है, समझना। अच्छा कुछ लोग वो बोल रहे कि एंटरो लेटरल और डॉर्सल कॉलम वाली चीज हमें समझ नहीं। अरे भाई मैंने ना पिछली वीडियो में समझाया था, ठीक है ना, आप लोग वहां पे देखो। मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में बार बार नहीं बता सकता ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। वीडियोस देखो तो सारी देखा करो, पढ़ना है तो मुझसे पूरा पढ़ो वरना बिल्कुल मत पढ़ो यार, सच बता रहा हूँ। क्योंकि फिर क्या है आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि किसने गलती करी है। भाई पढ़े मेरे से रहे हो, कहीं आधा कहीं और से पढ़ रहे हो, फिर बोलोगे मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना तो समझ के चलो आग लगा दूंगा, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग है। पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ वरना पढ़ाओ मत। और तुम्हें भी पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो वरना मत पढ़ो, ठीक है। लाइफ में ना थोड़ा सा ज्ञान ले ही लो। अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो 1% लोग ही रूल करते हैं 99% लोगों को। तो अगर आप 98% वाली कैटेगरी में भी आ रहे हो ना, है ना, समझ, तो भी कोई मतलब नहीं है। आपको आना तो 1% के अंदर ही है। ये भले आप 98% में आओ कि 2% में आओ, समझ लो यहाँ पे आप 99th रैंक पे आओ कि 2nd रैंक पे आओ, हमेशा जो रूलर्स होते हैं वो बड़े लोग होते हैं। इसके अंदर मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट मतलब मार्क्स में नहीं, अपनी ही एक लाइन बनाओ। एनीवे स्टार्ट करते हैं यार, किसी तुम लोगों को मुझे मालूम है ये सब चीजें पसंद भी नहीं आती होगी मैं बोलता हूँ। तो फास्ट पेन स्लो पेन, देखो मेरी बात समझो। फास्ट पेन मैंने आपको समझाया कि भाई कुछ पेन ऐसा है जिसको बहुत जल्दी पहुंचने को चाहिए, ठीक है। तो इस फास्ट पेन को और क्या क्या नाम दिया हुआ है, शार्प पेन, ठीक है, प्रिकिंग पेन, समझ लो, एक्यूट पेन, भाई अचानक से दर्द हुआ, जल्दी से दर्द हुआ, इलेक्ट्रिक पेन, ठीक है। ये वैसे भी देखा जाए तो ये वो पेन है जिनको जल्दी से ब्रेन तक पहुंचना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। स्लो पेन की अगर अपन बात करें तो मान लो कोई स्लो बर्निंग हो रही है, ठीक है, इवन स्लो बर्निंग आप धूप में भी देख सकते हो। ऑफकोर्स मतलब इतना छोटा मोटा धूप नहीं, अराउंड 49 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो किसी सिटी में तो वहां स्लो बर्निंग देखने को मिल सकती है। या किसी फायर के पास में खड़े हो तो स्लो पेन होने लगेगा। एकिंग पेन मतलब भाई शरीर दर्द करना, ठीक है। थ्रॉबिंग पेन, धप 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 होता है ना ब्रेन में, कभी थ्रॉबिंग पेन होता है जब से एमबीबीएस में आए होंगे, हो रहा होगा, ठीक है। नॉजियस पेन मतलब जी घबराने वाला, अभी एक पेन होता है, अब वो पता नहीं एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, क्रॉनिक पेन, ठीक है। तो स्लो पेन के बहुत, ये बहुत सारे नेम्स है। तो अब कल को यार टीचर ये भी पूछ ले प्रिकिंग पेन और नॉजियस पेन में डिफरेंस बताओ। नॉजियस पेन सुन के बच्चे जीभ बाहर आ जाएंगे, बोले ये क्या क्वेश्चन दे दिया, मतलब ऐसा नहीं होता, समझो। मतलब चीजों को क्या क्या नाम टीचर, जहां पे टीचर सोच सकता है ना वो चीज मैं पहले आपको सोच के दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे को नहीं लगता कि टीचर कहां तक सोच लेगा, भाई टीचर खुद रिसर्च तो करके आया नहीं है, है ना, लाएगा तो बुक से कंटेंट, ठीक है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इंटरनेशनल बुक से पढ़ा दूंगा, ठीक है, यूएसएमएल के क्वेश्चन भी ढूंढ के ले आऊंगा, ठीक है ना। कहां से देगा टीचर, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि ये इनके ये नाम से। अच्छा फास्ट पेन जो है ना वो जनरली स्किन और सुपरफिशियल एरिया से आता है, इसलिए इसको दूसरा नाम है सुपरफिशियल पेन भी, ठीक है। लेकिन जो स्लो पेन है भाई देखो वो तो ऑर्गेन से, डीप टिश्यू से, कहीं से भी आ सकता है। इवन अपेंडिक्स का पेन वो डीप पेन है अपने आप में, ठीक है, तो वो स्लो पेन है और वो ऑर्गेन ही वहां से आता है, इसे इस अपन डीप पेन भी कहते हैं। स्लो पेन को डीप पेन कहते हैं, फास्ट पेन को सुपरफिशियल पेन कहते हैं, ठीक है, ओके। और स्टिमुलस की अगर अपन बात करते हैं, अपन तीन स्टिमुलस देखे, मैकेनिकल एंड थर्मल। ये दो दो स्टिमुलस है ये एक्चुअली फास्ट पेन कॉज करते हैं, और जो केमिकल स्टिमुलस है, क्योंकि क्या होता है यार मैंने आपको बताया केमिकल स्टिमुलस कुछ केमिकल मीडिएटर्स की वजह से होता है, ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेडिकाइनिन। तो उनको इकट्ठा होने में टाइम लगता है, तो जब वो अच्छे खासे अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो पेन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो केमिकल स्टिमुलस है वो कॉज करेगा स्लो पेन, और फास्ट पेन करेगा मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलस। ऑफकोर्स अगर यार परसिस्टिंग मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलस होगा, ठीक है ना, परसिस्टिंग मैकेनिकल एंड थर्मल स्टिमुलस होगा तो वो भी स्लो पेन करेगा। और अगर मैं बात करें तो ऑफकोर्स यार फास्ट पेन है तो मैंने आपको बताया ये जल्दी ब्रेन को ले जा रहा है, तो इसके मतलब फाइबर्स कौन से हो सकते हैं, ये इसके फाइबर्स होते हैं ए डेल्टा, और जो इसके फाइबर्स है स्लो पेन के वो है टाइप सी, ठीक है,
अगर ये चीज समझ नहीं तो आपको नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए, वहां पे 5-10 मिनट में अच्छे से बताया है नर्व फाइबर कैसे क्लासिफाई करता है। ऑफ कोर्स की कंडक्शन वेलोसिटी 6-30 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि ये ए डेल्टा फाइबर है, टाइप सी वाले 0.5-2 मीटर पर सेकंड की रेंज में ही रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों का, ये दोनों की वजह से अपना होता है डबल पेन सेंसेशन, ठीक है। और ये एक न्यू सिस्टम है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेन, इसलिए इसे कहा गया न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और इसे कहा गया पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, अब मैं आपको यहां से पाथवे बता रहा था, ठीक है। अगर कभी कभी पाथवे आ जाए तो यहीं पे अपन पाथवे देख लेंगे, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले फाइबर आए, मैंने आपको बताया था जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। देखो अपने नर्व एंडिंग से फाइबर है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये उसका डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है। और डॉर्सल हॉर्न में बहुत सारे लेमिनाज होते हैं, ठीक है ना, लेमिना 1, 2, 3, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो 1, 2, 3। अब ये जो फाइबर्स आए, ये फाइबर्स जैसे देखो क्या है कि दोनों तरह के फाइबर्स आ रहे हैं, समझो मेरी बात को, ठीक है। ये फाइबर्स भी आ रहे, ये फाइबर्स भी आ रहे, कहने का मतलब ये मान लो ये टाइप सी फाइबर्स है, ठीक है, ये ए डेल्टा फाइबर्स है, तो दो दोनों तरह के फाइबर्स आ रहे हैं। तो जो एक्चुअली ए डेल्टा फाइबर्स है वो लेमिना 1 में रिले करते हैं, फिर यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जाते हैं और अपोजिट साइड में क्रॉस करते हैं। ऑफकोर्स वो अपोजिट साइड में क्रॉस करेंगे क्योंकि यही डिफाइंड है एंटरोलेटरल पाथवे के लिए, और वो अपोजिट साइड में क्रॉस कर रहे हैं इसलिए वो एंटरोलेटरल पाथवे की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने बता दिया एंटरोलेटरल पाथवे वाले उसी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर क्रॉस कर जाते हैं, जबकि जो टाइप सी फाइबर्स है वो आते हैं लेमिना 2 एंड लेमिना 3 के अंदर, ठीक है, फिर यहां से वो लेमिना 5 के अंदर रुकते हैं और फिर फाइबर्स क्रॉस करते हैं, समझ गए मेरी बात को। और फिर यार ये दोनों अपने अपने ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर अपन ये वैसे इतनी इसकी जरूरत नहीं है, तो वो क्या मतलब होता है ना कि भाई मुझे और दो, ये नर्डी कॉर्नर बच्चे होते हैं ना जिनको बहुत जानने की इच्छा होती है उनके लिए बता रहा, बाकी आप चल रहो 2 मिनट की बात है, कुछ भी नहीं है, पाथवे का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि सेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है वो मुझे पता है कि क्रॉस कर रहे तो वहां पे क्या, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, बाकी यार ये तो नॉलेज है, थियरी है, थियरी तो आप बहुत पढ़ो ना क्या ही है, ठीक है। तो मान लो ये ए डेल्टा फाइबर है, ये टाइप सी फाइबर है, ठीक है। तो जो ए डेल्टा फाइबर्स है फिर वो बहुत ऊपर जाते हैं, ठीक है, और ऑफकोर्स थैलेमस में मेनली जाते हैं, वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स में, और भी है वहां पे पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप थोड़े वहां चले जाते हैं, थोड़े बहुत रेटिकुलर न्यूक्लियर में चले जाते हैं, थैलेमस से मेनली ये जाते हैं सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, समझे मेरी बात को। और जो टाइप सी फाइबर्स है ये एक्चुअली बहुत ऊपर लेवल तक नहीं जाते, ये जाते हैं लोअर ब्रेन सेंटर्स तक, खासकर ये लोअर ब्रेन स्टेम के एरियाज तक ही रहते हैं, रेटिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, और कुछ पेरिएक्विडेक्टल ग्रे मैटर है वहां पर रुक जाते हैं, या कह लो टेक्टल न्यूक्लियाई, वो जो भी नीचे के एरियाज है, ठीक है ना, बेसल एरियाज ऑफ ब्रेन में वहां रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रहा था, ये पेन पाथवे, ठीक है, अपने काम का यहाँ पे डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ओके। तो अगर अपन बात करें, भी आपने देखा कि जो फास्ट पेन की फाइबर्स है वो फर्स्ट ऑर्डर जो भी न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो एक्चुअली टर्मिनेट करते हैं लेमिना 1 में, उस लेमिना 1 को कहते हैं लेमिना मार्जिनलिस, ठीक है, लेमिना मार्जिनलिस, ये कह लो लेमिना 1, ठीक है। और जो स्लो पेन के फाइबर्स है वो एक्चुअली टर्मिनेट करते, जो फर्स्ट ऑर्डर फाइबर्स है वो टर्मिनेट करते सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा, इसी ये एक्चुअली लेमिना 2 एंड 3 को एक साथ कहते हैं सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा, समझे मेरी बात को, ओके। और फिर वही ये फाइबर्स जाएंगे और ये अपने ठेट कॉर्टेक्स तक जाते हैं, ये मेनली अपने लोअर ब्रेन सेंटर्स तक ही रहते हैं, आगे बात समझ में, ओके। सब समझा दिया मैंने आपको, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये बता रहा हूं वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके ओके। और ये जो फास्ट पेन है इसके अंदर जो अपना ट्रांसमीटर रहता है वो होता है अपना मेनली ग्लूटामेट, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, एक्साइट करेगा पेन फाइबर्स को, और जो अपना स्लो पेन है वो रहता है सब्सटेंस पी, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो जो फास्ट पेन है एक्चुअली लोकलाइज रहता है, वेल लोकलाइज है, क्योंकि आप मेरी बात समझो क्या हो रहा है कि ये मैंने अभी आपको क्या बताया, कहाँ गया मेरा पेपर, हाँ ये अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये ए डेल्टा फाइबर्स वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं, ये सब मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इतना याद मेरे को खुद को याद ना रहे इतना तो, ठीक है, ये तो मेरे को खुद को क्या, मेरे को तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसलिए आपको बता रहा हूं। तो वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने ये जो ए डेल्टा फाइबर्स जा रहे हैं, अगर आपको याद हो तो वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने डॉर्सल सिस्टम वाले फाइबर्स भी आ रहे थे, उन्हीं डॉर्सल सिस्टम का एक हिस्सा है अपना टेक्टाइल सेंसेस। तो कहने का मतलब ये कि मान लो अगर आपको पिन चुभी,
ठीक है, अगर आपको पिन चुभी आपकी हैंड के अंदर, ठीक है, तो ओके, या अगर आपको पिन चुभी तो उस टाइम पे यार एक तरीके से तो टैक्टाइल सेंस भी एक्टिवेट होंगे और उसी टाइम पे आपके पेन फाइबर्स भी एक्टिवेट होंगे, ठीक है, दोनों ही चीज़ एक्टिवेट होगी क्योंकि दोनों ही ये है, तो अपने आप में एक मैकेनिकल स्टिमुलस, मैकेनो सेंसिटिव रिसेप्टर्स एज वेल एज नॉसिसेप्टर्स दोनों को एक्टिवेट करेगा। ओके, गॉट इट। तो दोनों ही वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स तक पहुंच ही रहे, हालांकि टेक्टाइल सेंसेस डॉर्सल सिस्टम से जा रहा है और ये अपने एंटरोलेटरल सिस्टम से जा रहा है, और मैंने आपको बताया था डॉर्सल सिस्टम काफी अपना लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये जो फास्ट पेन फाइबर्स है अपने आप में लोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड होने भी चाहिए क्योंकि अगर आपको लोकलाइज्ड ये अगर लोकलाइज्ड नहीं होंगे तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि कॉज ऑफ पेन क्या है, समझे। तो ये जो अपने फास्ट पेन फाइबर्स है ये वेल लोकलाइज्ड रहते हैं, समझे, लेकिन ये जो अपने स्लो पेन फाइबर्स है ये इनका पुअर लोकलाइजेशन है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, पूर्ण लोकलाइजेशन इन द सेंस कि अगर मान लो आपका हाथ दुख रहा है तो अगर आपको डॉक्टर पूछे कभी कहाँ पे दुख रहा है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ दुख रहा है। ऑफकोर्स आप ये नहीं बोलोगे हाथ दुख रहा है, मतलब आप बोल दोगे ये पूरा हाथ दुख रहा है, ठीक है, ये पूरा हाथ दुख रहा है, यहाँ से हर जगह से दुख रहा है, ठीक है, पर आप ये नहीं कहोगे पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है तो हाथ दुख रहा है बट हाथ में प्रिसाइस जगह नहीं बता पाओगे। कहने का मतलब कौन सा लिम्ब दुख रहा है, अपर लिम्ब की लोअर लिम्ब ये बता दोगे, किस साइड का अपर लिम्ब दुख रहा है, राइट की लेफ्ट ये भी बता दोगे, बट उस पर्टिकुलर राइट अपर लिम्ब में पॉइंट नहीं बता पाओगे। बट अगर वो फास्ट पेन है, कोई शार्प पेन है, कोई प्रिकिंग पेन है, कोई इलेक्ट्रिक पेन है, तो आप उसमें वेल लोकलाइज रहोगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे पेन हो रहा है, आप डॉक्टर को बता सकते हो, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं आपको एक चीज और कह रहा था कि ये जो अपना फास्ट पेन फाइबर्स है, ठीक है ना, और स्लो पेन फाइबर्स है, तो देखो सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स तक जा रहा है, ये लोअर ब्रेन सेंटर तक जा रहा है, इसका मतलब है कि अपना जो पेन है वो लोअर ब्रेन सेंटर तक जा रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो कि अगर मैं ब्रेन को मिजन सेफलन से काट दूँ, ठीक है, मिजन सेफलन कह लो या मिड ब्रेन कह लो, वहां से कट कर दूँ, तो क्या पेन सेंसेशन फील होंगे? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि अपना बहुत ज्यादा पेन लोअर ब्रेन सेंटर्स तक ही रहता है। तो कहने का मतलब पेन परसेप्शन तो अपना काम करना लोअर ब्रेन सेंटर्स का काम है, इसका ये मतलब नहीं कॉर्टेक्स का कोई रोल नहीं है, ऑफकोर्स कॉर्टेक्स का रोल है टू असेस द पेन क्वालिटी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोअर ब्रेन सेंटर्स तक बहुत ज्यादा पेन फाइबर जाते हैं, तो इवन इन डीकॉर्टिकेशन अबोव मिजन सेफलन यू कैन एक्सपीरियंस पेन, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक और बात यार, ये जो अपने स्लो पेन फाइबर्स है लोअर ब्रेन सेंटर तक जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये लोअर ब्रेन सेंटर में भी कहाँ जा रहा है, अगर कोई स्पेसिफिकली पूछे तो कुछ रेटिकुलर एरियाज ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है, इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियाई, ये एक्चुअली थैलेमस के अंदर होता है, ठीक है। ये अगर आपको चीजें थोड़ी सी समझ नहीं आ रही ना तो आप न्यूरो एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी भी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ना, तभी आपका मजा आ जाएगा, ठीक है। रेटिकुलर एरियाज और इंटर, आजकल यार आप लोग कमेंट भी नहीं करते, मैं सही पढ़ा तो रहा हूँ ना, पता नहीं यार जब से सेंसरी सीनेस की प्लेलिस्ट चालू करी आप लोगों ने कमेंट करना बंद कर दिया, ऐसे मत करो यार, मतलब मुझे बताते रहा करो, कुछ भी करा करो, कमेंट जरूरी है, सिर्फ थैंक यू नहीं, कुछ अलग सा लिखा करो, मुझे समझ में आए तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, कि मुझे तरीका बदलना चाहिए या मुझे पढ़ाना ही बंद कर देना चाहिए, समझ लो, मुझे बताया करो। तो जो अपने पेन रिसेप्टर्स है ये लोअर ब्रेन सेंटर में जा रहे हैं, लोअर ब्रेन सेंटर में अगर बात करें तो रेटिकुलर एरियाज, इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर मैं बताऊं ना तो अपने ब्रेन का जो प्रिंसिपल अराउजल सिस्टम है वो इन दो एरियाज का ही है। अराउजल सिस्टम मतलब अगर ये एरिया एक्टिवेट होते हैं तो अपना ब्रेन पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी बॉडी पूरी एक्टिवेट हो जाएगी, समझ रहे मेरी बात को, समझ गए ना। तो पेन फाइबर्स जो एंड कर रहे, टर्मिनेट कर रहे स्लो पेन फाइबर्स, वो भी यहाँ कर रहे और ये अराउजल सिस्टम भी, इसका मतलब अगर पेन फाइबर्स टर्मिनेट करते तो अपन झटके से अराउज हो जाते हैं, आप समझो, अगर आपको कुछ भी अपेंडिक्स का दर्द है तो आपको, मैं समझ रहा हूँ, आपका आपकी पूरी बॉडी जगी रहेगी, वही वजह से क्योंकि अराउजल सिस्टम के अंदर अपने पेन फाइबर्स टर्मिनेट करते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई टीचर ज्यादा स्मार्ट हो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई इज इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू स्लीप व्हेन ही और शी इज इन सीवियर पेन, बिकॉज दीज स्लो पेन फाइबर्स एक्चुअली टर्मिनेट इन द ब्रेन प्रिंसिपल अराउजल सिस्टम, दैट इज रेटिकुलर एरियाज ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड द इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस, समझ में आ गया ना यार। ओके यार, सो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है, और आज यार पता है पूरा मेरा मूड खराब हो गया, मैं कॉलेज गया आज, मैं काफी लेट भी हो गया वीडियो बनाने में, पता नहीं वीडियो शायद 9-10 बजे तक आएगी या कब, पता नहीं कब तक आएगी, ठीक है। तो मैं कॉलेज गया, अच्छा खासा, वैसे मेरे को जनरली कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है, कोई कुछ पढ़ाता नहीं है, सब टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, फीडबैक कुछ मैकेनिज्म इनका है नहीं कि कोई फीडबैक दे तो कुछ हो। इन लोगों ने 10 से 11 की आजकल एक नया सिस्टम चालू किया था, क्लिनिकल क्लास रखी है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा हिस्ट्री टेकिंग कैसे करती है। आज ENT की क्लास थी, मैं गया, 10 to 11 की क्लास में टीचर 10:30 पे आ रहे हैं, ठीक है। देखो दिक्कत क्या है पता है, 80% अपने मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में कोई पढ़ाता ही नहीं है, 19%
जो पढ़ाना चाहता है ना, उनको यही नहीं पता कि अगर उनके पास 10 स्लाइड्स है पीपीटी में, तो एक स्लाइड के ऊपर तो ये दे देंगे 50 मिनट्स और बाकी 9 स्लाइड्स के ऊपर देंगे 10 मिनट्स। जबकि जो 9 स्लाइड्स थी वही काम की थी, 50 मिनट्स तो फर्स्ट स्लाइड में थी, वो तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो 90% लोगों को ये नहीं पता कितने टाइम में क्या चीज़ कवर करनी है। वरना पढ़ा तो कोई भी सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा तो सब कुछ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और 1% जिसको ये भी पता है कि कितने टाइम में क्या पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना भी जानता है, पर उसको माइक में बोलना नहीं आता। भाई इतने कलाकार कलाकार लोग हैं ना, मतलब माइक में आवाज़ ही नहीं आती, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया पूरा टाइम गया मैं गाइस। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना सब पढ़ाने वढ़ाने का तरीका, ठीक है। आई होप यार आप लोग अच्छा कर रहे हो, ठीक है। पता है आप लोगों को कभी देखा नहीं ना, तो भी आप लोगों से एक दिल लगा हुआ है, मतलब पता नहीं यार जो भी है, मतलब एक होता है एक अटैचमेंट है, जबकि देखा भी नहीं है मैंने आप लोगों को कभी। सो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।